न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने की एनर्जी है, ठीक। तो इसमें क्या एक्सप्लेन कर रखा है, इसमें एक्सप्लेन किया है एटॉमिक न्यूक्लियस एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियॉन्स इन एवरी न्यूक्लियस आर बाउंड टुगेदर विद अ शॉर्ट रेंज फोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू सच अ डिस्टेंस दैट देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन देम। मतलब इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में वो कह रहा है न्यूक्लियस होता है स्टेबल, न्यूक्लियस में है न्यूक्लियॉन्स पड़े हुए हैं, आप उन न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना चाहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट कि उनका आपस में लेना देना ना हो, इन शॉर्ट आप न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहते हैं। न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है। मान लो बाइंडिंग एनर्जी है 10 जूल, तो आपको कम से कम वर्क डन करना पड़ेगा 10 जूल का ताकि आप उन्हें सेपरेट कर सकें। तो सेपरेशन की एनर्जी को भी क्या बोला जा सकता है, बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है यहां तक? तो इसमें डेफिनेशन मतलब बांध के रखने की एनर्जी तो है ही है, पर आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप उन्हें सेपरेट करना चाहते हैं, और सेपरेट करने के लिए जो वर्क डन लगेगा वो भी इक्वलेंट टू क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी ही होगा। तो यही डिफाइन किया हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस, इट इज मेजर्ड बाय द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस सो दैट दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो ये बाइंडिंग एनर्जी है, और इसमें इस पूरे आगे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप अलग अलग मास लेके आते हो प्रोटोन का, अलग से न्यूट्रॉन लेके आते हो ताकि आप न्यूक्लियस बना सको, तो उनके इंडिविजुअल मास प्रोटोन के और न्यूट्रॉन के ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। आज हमने देखा वो, तो इंडिविजुअल मास को बोला जाता है रेस्ट मास। तो यही बोल्ड में लिखा हुआ है, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन सम ऑफ रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ऐसा ऐसा करने से क्या आ जाता है, मास डिफेक्ट। यह हमने मास डिफेक्ट, और इस मास डिफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, मास डिफेक्ट में हम डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी कर लिया, तो लिख लो रेफर हैंड रिटन शीट। तो यहां से करने की जरूरत नहीं, लंबा एक्सप्रेशन है, तो रेफर हैंड रिटन शीट कर लेना, हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक। उसके बाद ये ग्राफ भी हमने कर लिया, रेफर हैंड रिटन शीट लिख लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये आता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व का इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पेपर में आएगा, वैसे हमने कर लिया। ये क्या इंपॉर्टेंस है, ये ग्राफ से आप देख के बता सकते हो कि किन एलिमेंट्स पे फ्यूजन हो सकता है और किन एलिमेंट्स पे फ्यूजन हो सकता है। तो ये एक्सप्लेन किया है, डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एट हायर मास नंबर, जैसे यूरेनियम, तो इसके अंदर क्या है, यूरेनियम जैसे के साथ उसको तोड़ा जा सकता है, असेंबल्ड इनटू टू मिडिल मास न्यूक्लियर, मिडिल मास का मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर तोड़ा जा सकता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिजन। और सिमिलरली स्मॉल वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर न्यूक्लियर ऑफ लोअर मास नंबर इंडिकेट्स दैट एनर्जी कैन बी रिलीज्ड जब न्यूक्लियर ऑफ स्मॉल मास नंबर कंबाइंड टू फॉर्म अ मिडिल मास। तो हाइड्रोजन जैसों को मिलाया जा सकता है, यूरेनियम को तोड़ा जा सकता है, तो फिजन होगा और फ्यूजन होगा। तो यू हैव टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फिजन एंड फ्यूजन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व।